बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ से आगाज़ करते हैं कि जो मामू नदीम ने जो है दो दिन पहले जो है वो सब से पूरी यूट्यूब फैमिली से जो है वो सॉरी किया कि मैं जो है मैंने सितारा का जो है वो साथ नहीं दिया और बल्कि सलमा का दिया, बल्कि दोनों मेरी बहनें हैं और मुझे ये कि इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था और जो है मुझे जो है किसी एक का साथ नहीं देना चाहिए था बल्कि न्यूट्रल ही रहना चाहिए था और ये दोनों जो हैं वो जो चाहती हैं आपस में डिसाइड करती हैं, बल्कि आपस में ही डिसाइड करें, इनका अपना मामला है और मैंने जो है अब से इनके बीच में नहीं बोलना। तो अभी तो ये है कि जो है मामू नदीम जो उन्होंने बैकअप कर लिया है, बस वो पहले कह रहे थे कि मैं सलमा के साथ खड़ा हूँ, अब कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो न्यूट्रल हूँ। तो इसमें नेक्स्ट जो है वो एक और बात है कि एक और जो है वो यूट्यूबर हैं जो कि लेके आई हैं कौसर का निकाह नामा, जिसमें वो उन्होंने शो किया है, वो वहाँ पे ऑफिस लेके गई है निकाह नामा और वहाँ से वो टोटली जाली था। तो ये है दादा वहाँ के बहुत पुराना क्लर्क है जिसको जज से भी बेहतर पता है, उसने वो मुझे एक्शन कर रहा है, ये जज साहब बैठा इससे पूछो। तो जैसे मैं गई उसने मुझे बुला लिया, तो मैं उसके जब सामने गई तो मैंने निकाह नामा रखा, आप लोग खुद सुन लो वो क्या बोला। जो है वो दिखाया है कि जो ऑफिस वाले हैं बंदे, उन्होंने कहा है कि ये निकाह नामा जो है वो जाली है और जो है इस चीज़ को लेके जो कौसर के भाई हैं उनके और उन यूट्यूबर के दरमियान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपस में ऐसे हो रही है, क्योंकि जो वो हैं वो कह रही हैं कि आप प्रूफ लाओ कि ये जो है निकाह नामा सच्चा है, और क्योंकि वो कह रही हैं मैंने तो इसको नकली साबित कर दिया है। तो अभी जो है फिर जब मामू नदीम का ब्लॉग आया, उसे अगले दिन सितारा का ब्लॉग आया जिसमें जो है सितारा ने ये कहा कि मैं जो हूँ बस बहुत हो गई है, अब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है 365 चैलेंज जो है वो दोबारा कबूल करना है, बल्कि इसमें उन्होंने जो है वो बाकी सबका साथ देते हुए कहा कि सारे लोगों ने जो है वो मेरे ऊपर उंगलियाँ उठाई और सब लोग जो हैं वो मिल गए, मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए, बल्कि मेरा अल्लाह भी जो है वो भी जो है वो इनके जो है वो साथ ही खड़ा हो गया है शायद, मेरे ख़्याल से पता नहीं अभी उन्होंने इस बात को किस तरीके से लिया है, लेकिन ये है कि अभी तो जो है वो इसी तरह से उन्होंने जो है बीच में ये भी जो है वो वर्डिंग बोल दी है। अब या तो वो इस क्लिप को डिलीट कर दें या फिर जो है सॉरी करके उसको निकाल दें। और इसके आगे जो है बाकी इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है सलमा की जो लॉयर हैं उनको काफ़ी जो है लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो सलमा का जो है वो सलमा को धोखा दिया है, बल्कि सलमा का साथ नहीं दिया, लेकिन सलमा ने जो है वो ख़ुद जो है लाइव सेशन में आके इस बात को क्लियर किया है कि नहीं, जो मेरी लॉयर हैं जिनका नाम सबा है, जो कि शुरू से सलमा के साथ खड़ी हैं और वो कह रही कि वो उस वक्त मेरे साथ खड़ी थी जब मेरी माँ भी जो है वो मेरे साथ नहीं खड़ी थी और उस मैं ठीक हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मेरी कोई भी बात जो है ना आपकी तरफ से नहीं है और सुबह सिस्टर की आपकी बात मिला आपको माना जाएगा। पहले आप इन लोगों को सभा अभी को क्लियर कर दें, जिनकी सभा अभी जो है ना आपके साइड पे हैं और जो लोग ब्लेम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप मुझे भी काइंड क्लियर कर दीजिएगा। अभी मुझे यहाँ पे ये पता चलेगा कि ब्लेम जो है मैं अभी सभा सभा सिस्टर से बात करती हूँ ना, सभा प्लीज आप मुझे बताएं। सलमा मुझे मेरी आपके साथ मोहब्बत और मेरी मेहनत को क्वेश्चन किया
या मैं बिक गई या मैंने आपका साथ सही नहीं दिया या मैंने कुछ बोला है, तो मतलब आप मैं नहीं, देखिए मुझे, मैं नहीं चाहती कि आप क्लियर करें, राइट? आप अपने मुंह से बता दे, मुझे आप बोल दो कि सुबह तुम पीछे हो जाओ, मैं खामोश होकर चली जाऊंगी। लेकिन मैंने इनको यही बोला है कि मैं सलमा के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ, और आप यकीन करें कि मैंने भी जो भी मुझसे पूछा तो मैं यही कहती हूँ कि सबा पहले दिन से मेरे साथ है। मैंने कहा सबा तब से मेरे साथ है जब से कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैंने कहा मुझे रुलाते हुए सबा ने चुप करवाया है, सबा ने मुझे इतनी सपोर्ट किया कि जब मेरा खानदान में से, मेरे फैमिली मेंबर में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। जो सीधी बात है और जो सच्ची बात है वो मैं भी सबके सामने कह रही हूँ यहाँ पे। और हमें हमेशा सबा मैम पे बिल्कुल भरोसा था, बिल्कुल ये था, लेकिन अब इतना मैच बना दिया है। नहीं, मैं एक साथ एक बात सलमा से क्लियर करना चाहती कि सलमा हमारा मकसद ना सितारा है, ना नासिर है, ना कोई है। हमारा मकसद सलमा है, ठीक है, और सलमा की खुशी है मेरा। जी जी, तो यहाँ पे जो भी अभी सबा सिस्टर के ऊपर जो भी सवाल उठा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यही आप सबको कहूंगी कि आप सबको मेरे ऊपर भरोसा है। अगर आप सबने मुझे सपोर्ट किया है, आप सबने दिल से मेरा साथ दिया, तो आप सबको हमारे पर भरोसा भी होना चाहिए। मैम, हमें आप पे पूरा भरोसा है, बस हमें ये वीडियो वो लाइव किया ना, तो उसकी वजह से सबके माइंड मतलब वो हो गए हैं कि पता नहीं क्या सच्चा क्या नहीं है। सब ये कह रहे थे कि सलमा यासीन को अब जो है ना सामने आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कैसी सिचुएशन चल रही है, सब लोग परेशान बैठे हुए हैं। जी जी, सलमा मैम एक्चुअली बात ये हुई कि हम लोग बहुत ज्यादा आपके लिए परेशान थे, कंसर्न थे, और हमने पूरी अपनी कोशिश कर दी कि हम किसी भी तरह करके बिल्कुल आप सबकी दुआएं मेरे साथ है, आप सबका प्यार मेरे साथ है। मैं वाकई बहुत परेशान रही हूँ, जो भी मुझसे कनेक्टेड थे सब जानते हैं कि मेरा किस किस तरह से मेरा टाइम गुजर, लेकिन मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं बार बार यूट्यूब पे आके बैठ जाऊँ और बोलूँ कि आज जी मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, बजाय कि मैं 10-11 घंटे की जॉब करने के बजाय मैं 4-5 मिनट की वीडियो बना के डाल दूं, लेकिन मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि मेरी वीडियो, जाहिर है काफी लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी वीडियो चल जाएगी, लेकिन मुझे ये चीजें नहीं आके बार बार ये बात करना, ये करना, वो करना, कि इस तरह से मैं बात। उस वक्त उन्होंने मुझे दिलासा दिया और उस वक्त जो है वो उन्होंने मेरा साथ दिया, तो अब जो है वो मुझे क्यों जो है वो धोखा देंगी, तो इस चीज़ को जो है वो क्लियर कर दिया है। क्योंकि सबा ने आके कहा था कि मुझे जो है अगर सलमा कहेंगी तो मैं बैकअप हो जाऊंगी, लेकिन अगर जो है सलमा कहेंगी तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। तो ये तो पता नहीं अभी ये बातें जो हैं इन ये क्यों उठ रही हैं, इनकी जो है वो अभी तक रीज़न जो है वो सामने नहीं आई है। बाकी ये है कि जो है सितारा ने फिर जो आज का व्लॉग डाला उसमें जो है सितारा ने जो है पहले तो ये बताया कि मैंने कटिंग वगैरह कराई है, बाल जो हैं वो रीसेट कराए हैं, जैसा कि नैना ने भी फिर जो है वो कटिंग कराई, नैना ने भी जो है वो हेयर कट कराया। और उसके बाद सितारा का जो व्लॉग था वो ये था कि जब हम लोग दुबई जा रहे हैं, जबकि सितारा ने जो है अपने जो हैं सारे जो उनकी व्यूअरशिप है जो उन सबको यही बताया था कि हमने कश्मीर जाना है, और लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम जब पैकिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो फिर उन्होंने बताया लास्ट मिनट पे कि हम जो हैं वो दुबई जा रहे हैं। बल्कि वो कह रही थी कि कश्मीर के जो है वो लोगों ने कहा कि हालात जो हैं और सब ठीक नहीं है, और सॉरी तो वो जो हैं हालात ठीक नहीं हैं, तो इस वजह से हम कश्मीर नहीं जा रहे। लेकिन हमने टर्की का भी सोचा था, लेकिन उसके बाद फिर जो है टर्की का नहीं हो सका, तो इस वजह से अब हम दुबई जा रहे हैं। और बाकी वो दुबई क्यों जा रही हैं इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट कल आने वाले व्लॉग में आपको बताएंगे कि वो दुबई क्यों गई हैं। और इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट जो है फिर अभी तक तो ये है कि कौसर जो है वो फिर एक दफ़ा गांव में ही है, हालांकि साजिद जो है उसने कहा था कि कौसर जो है वो अपने भाइयों के साथ कराची आएगी और अब वो कराची ही रहेगी। लेकिन जो है क्योंकि इनका अपना जो है वो प्लान बन रहा था दोबारा कश्मीर जाने का, तो इस वजह से फिर कौसर नहीं आई और जो है कौसर उधर ही रह गई, और अब जो है अब ये लोग दुबई चले गए। तो अभी इस बात को 2 महीने हो गए जब कौसर का बेटा जो है उसकी डेथ हुई है, और वो साजिद जो है वो उसने उस वक़्त कहा था कि मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अभी जो है वो 2 महीने हो गए वो वापस नहीं गया है। बाकी कौसर के भाई जो हैं वो
तो सितारा का साथ दे रहे हैं पहले, हालांकि जो है थोड़ा सा जब सितारा की व्लॉगिंग अगर देखें तो वो बीच में जो है बिल्कुल ये सलमा का जो है ये इशू उठने से पहले भी, दो तीन दिन पहले से भी जब बच्चे की डेथ हुई उससे पहले भी सितारा ने यही बताया था कि हमारी फाइटिंग हुई है और लड़ाई झगड़े हुए हैं और कौसर और उसकी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा बददुआएँ दी हैं और ये है वो है सब कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन पर इल्ज़ाम लगाए थे और पहले भी इस तरह के जी वो कह रहे हैं कि घर नाम कर दो और इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने लाई जा रही थी। लेकिन अभी जो है वो ये है कि अभी तो जो कौसर के भाई हैं वो जो हैं वो सितारा को ही सपोर्ट कर रहे हैं और सितारा के हक में ही वीडियोस बनाते हैं और सितारा को ही वो कहते हैं कि हमारी बहन है। और नेक्स्ट जो है अभी ये कि सितारा ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना था, लेकिन ये है कि सितारा ने कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं किया, जिसमें ज़्यादा मेन चीज़ तो वो वीडियो वाली बात थी और दूसरी बात ये कि शाहरुख ने कहा था कि मैं क्राउन होटल लेके जाता था, तो वो इन दोनों चीज़ों को जो है वो सितारा ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। शायद इसकी वजह यह है कि चीज़ें जो हैं वो कोर्ट तक पहुंचेंगी और कोर्ट से ही क्लियर आउट होंगी। लेकिन इसमें यह है कि सलमा जो कि लाइव आई थी कल, तो उन्होंने वहां पे लाइव आके भी थोड़ा सा ये बताया था कि एक दो दिनों में जो है वो मज़ीद प्रूफ जो हैं वो लेके आएंगी और मज़ीद प्रूफ जो हैं वो सामने आ जाएंगे। और जिनको समीरा अज़ीज़ ने भी जो है वो इंडोस किया है कि जो है ये प्रूफ जो हैं वो थोड़े दिनों तक लीक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो ये कह रही थी कि मुझे ये नहीं पता कि कौन लीक करेगा, लेकिन ये है कि वो थोड़े ही दिनों में लीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो अभी तक यहाँ तक ही, और नेक्स्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और जो है आगे नेक्स्ट कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि सितारा यासीन जो है वो क्यों दुबई गई। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।